السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

आला लोग बनाया है अल्लाह का नबी अपने दौर का सबसे बेहतरीन इंसान होता है नबी का किरदार नबी का अखलाक एक ऐसा अखलाक होता है कि जो दूसरों के लिए नमूना हुआ करता है इसीलिए तो वो लोगों को दावत देने के लिए तैयार होता है और अल्लाह रब्बुल रबालमीन उसके किरदार की खुद हिफाज़त फरमाते हैं अगरचे हर नबी रसूल का अखलाक ये उसकी दावत का बुनियादी हिस्सा हुआ करता था लेकिन बिलखसूस आखिरी पैगम्बर महमदुर रसूल सल्ला वसम को अल्लाह तिस खुल्क अजीम से नवाज़ा जो अखलाक अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया वो कायनत में किसी और को नहीं अता फ़रमाया गया लेकिन रसूल सला वसम ने अपने उसी अखलाक के ज़रिए अपनी उम्मत की तरबियत फरमाई हती कि आपने फ़रमाया कि बुस्तू ल उतम्मी अखलाक, अल्लाह अखलाक़ ने मुझे नबी बना के भेजा ही इसीलिए है कि मैं अखलाक और आदाब अपनी उम्म को सखलाऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अच्छे अखलाक का ख़ुद मुज़ाहरा भी किया अमली तौर पे इसका सबूत भी पेश किया और उम्मत को अच्छा अखलाक अपनाने की तलकीन भी की है प्यारे प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अल्लाह के पैगम्बर नेकी किसको कहते हैं तो आप सला वम ने जवाब दिया कि अलब्रो हसन अखलुक नेकी अच्छे अखलाक का नाम है अच्छा अखलाक दरअसल नेकी है इसका माना क्या हुआ कि कोई इंसान बहुत सी दूसरी नेकियां कर ले, मिसाल के तौर पे नमाज का पाबंद हो रोज़े का पाबंद हो हज हाँ उमरें करने वाला हो ज़ाहरी तौर पे बड़ा वो अच्छा दीनदार नेक इंसान मालूम होता हो लेकिन वो अगर अखलाक का बुरा है तो हदीस की रूह से वो नेक नहीं है नेक वो शख़्स है कि जो अल्लाह के हकूक़ अदा करने के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी अदा करे और अच्छे अखलाक का हामिल हो रसूल सल्ला वसम ने नेकी की तारीफ़ अच्छे अखलाक़ से की है कि अच्छा अखलाक दरअसल नेकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि इन नमिननख्यारी कम अहसनकुम अखलाका तुम में सब बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक के सबसे अच्छे हैं अगरचे निकियाँ और भी बहुत हैं आपने ये नहीं फ़रमाया कि जो नफल कसरत के साथ पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे हैं या जो तस्बीहात या अजकार बहुत ज़्यादा करते हैं वो सबसे अच्छे हैं तुम में अच्छे वो लोग हैं जो अखलाक के अच्छे हैं और एक हदीस में रसूल सल्लाम ने फ़रमाया कि न अकमल न अहसन खलूका कि कामिल ईमानदार वो शख्स है कि जिसका अखलाक अच्छा है मतलब इसका यह है कि जिसका अखलाक अच्छा नहीं उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं और जब ईमान मुकम्मल नहीं वो सही मानों में पक्का और सच्चा मोमिन नहीं पक्का सच्चा कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है और जिसका अखलाक जितना ज़्यादा उमदा है उतना ही उसके दिल में ईमान ज़्यादा पुख्ता है रसूल सल अल्ला वसलम का ये भी फ़रमान है कि मामिन शईन असकानी योम़ियामतीक आपने फरमाया फ़रमायामत के दिन जब इंसान की नेकियों का वज़न किया जाएगा उनको तोला जाएगा तो इंसान के नाम आमाल में सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ क्या होगी सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ सबसे ज़्यादा वज़न जिस चीज़ का होगा वह उसके अच्छे अख्लाक का होगा अखलाक सबसे ज़्यादा वज़नी होगा हकूकआबाद में सबसे ज़्यादा वज़न जिस चीज़ का होगा वो अच्छा अखलाक है फिर रसूल सल्ला वसम ने यह भी फ़रमाया कि इन्ना अरबा कुम इैया मजलिसन योमल्क़ियामा इन्ना अहब्बुम इैया व अकरबा कम इले मजलिसनकियामा थी हसन आपने फ़रमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो शख़्स है और क़ियामत के दिन भी सबसे करीब मुझे मेरे सबसे ज़्यादा करीब उस इंसान को जगह मिलेगी अहा नकुम अखलाका मिन अहब्बी कुम इैया व अखरबी कुम इैया मजलिसन यौम्लक़्यामत अहासी नकुम अखलाका तुम में से जो लोग अच्छे अखलाक़ के मालिक हैं वो क़ियामत के दिन मेरे क़रीब होंगे व इनमिन अब गदी कुम इलैया व अब आदि कुम मन्नी योमल क्याम असर सारून वलमुत कून आपने फ़रमाया मुझे सबसे बुरे वो लोग लगते हैं और क़यामत के दिन भी ऐसे लोग मुझसे ज़्यादा दूर होंगे कौन लोग असर सारून बहुत ज़्यादा बातें करने वाले फजूल गुफ्तगु करने वाले अपनी ज़ुबानें खुले रखने वाले यानी जो गुफ्तु करते वक्त ये ख़्याल नहीं रखते कि मेरी इस गुफ्तगू से मेरी बात से किसी का दिल दुखेगा गीबत करना चुगली करना लोगों का मजाक उड़ाना लोगों के बारे में तरह तरह की बातें करना और कभी किसी के मुंह पे और कभी उसकी अदम मौजूदगी में बातें करना लोगों का दिल दुखाना आपने ऐसे लोग मुझे सबसे बुरे लगते हैं इसी तरह वो लोग जो गुफ्तु करते वक्त कोई शर्मो हया नहीं रखते बाज लोगों की आदत होती है ना कि वो भरी मजलस में भरी मजलस में सब के सामने ही किसी इंसान की बेइज्जती कर देते और फिर वो इसको अपनी बड़ी जुरत समझते हैं। वो समझते हैं कि जी मैं नहीं किसी से डरता यानी वो इस कदर बेहया हो जाते हैं कि उनको इतनी शर्म तक नहीं रहती कि मैं दूसरे की इज्जत को पामाल कर रहा हूँ भरी मजलिस में और बजाय उस पर शर्मिंदा होने के अपने गुनाह अपनी गलती का एतराफ़ करने की बजाय वो इसको बड़ी जुरत से बयान करते हैं नहीं जी मैं नहीं किसी से डरता मेरे सामने को आए मैं उसकी बेइज्जती कर देता हूँ मैंने किसी का ख्याल रखता ये बद अखलाक़ी है और इस बद अखलाक़ी पर फिर वो सीना जोरी और उस पर तकबर का इजहार करता है नहायत बुरा शख्स है रसूल सल्ला वम की नज़र में वलमुतफ़िकून और आपने फ़रमाया कि मतकबर लोग जो तकबर करते हैं अपने आप को बड़ा समेत और हकीकत में मुतकबर ही होता है वो इंसान जो दूसरों की गलतियां देखता है इसलिए कि वो अपने आप को समझता है कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं अगर उसकी अपनी गलतियों पे नज़र हो तो दूसरों की गलतियों को ना देखे जो दूसरों की गलतियों को देखता है और अपनी गलतियों को भूल जाता है वो मुतकबर है आपने फरमाया इस तरह के लोग मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं और क़्यामत के दिन ऐसे लोग मुझसे सबसे ज़्यादा दूर होंगे अच्छे अख्लाक वाले मेरे क़रीब होंगे बुरे अख्लाक वाले मुझसे दूर होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है आपने फरमाया इनमा लुदरी को बेहसिन खुलू कही दारा जाता काइम एक इंसान के जो अल्लाह की इबादत पूरी सूरी करता है फ़र्ज़ नमाज अदा करता है बस फ़र्ज़ रोज़े रखता है इससे ज़्यादा नहीं लेकिन अखलाक का बहुत अच्छा है नमाज का पाबंद है अकीदा दुरुस्त है रोज़े रखता है अल्लाह के हकूक़ अदा करता है और इसके साथ साथ उसका अखलाक बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा नफल अदा नहीं करता और नफली रोज़े भी बहुत ज़्यादा नहीं रखता लेकिन अखलाक का बहुत अच्छा है किसी को तकलीफ़ नहीं देता आपने फर्मा ऐसा इंसान अपने अच्छे अखलाक के जरिए उस इंसान के मकाम को पहुँच जाता है जो शख़्स हमेशा और दिन के वक्त रोजा रखता रहे और सारी रात खड़ा होकर के क़्याम करता रहे यानी सिर्फ़ अपने अच्छे अखलाक की वजह से अल्लाह रब्बुल रब्लमीन उसको इस मकाम पे पहुँचा देते हैं अल्लाह की नज़र में उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि गोया वो सारा दिन रोज़े से है और सारी रात वो क़याम में गुजार रहा है आप अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया गया कि आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में ले जाने वाली चीज कौन सी होगी किस अमल की वजह से सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे आपने फरमाया तकवल्ला तक वसनुक जन्नत की तरफ आपको ले जाने वाली यानी वो अमल वो नेकी के जो जो तुम्हें जन्नत के बहुत ज्यादा करीब करने वाली है आपने फरमाया वो दो चीज़ें हैं अल्लाह का तकवा और अच्छा अखलाक दूसरे मानों में अल्लाह के तकवे का मतलब क्या है कि अल्लाह के हकूक़ इंसान अदा करने वाला यानी उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक दुरुस्त हो और दूसरा हसनखलु उसका अख्लाक अच्छा हो यानी अल्लाह की मखलूक के साथ भी उसका ताल्लुक दुरुस्त हो जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक है अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुक ठीक है तो ये दोनों चीज़ें हैं जो दरअसल इंसान को जन्नत में ले जाने वाली हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अन अक्सरी मा यखिल मा य खिलार के कौन सा वो गुनाह है जो बहुत बहुत ज़्यादा जल्द इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है आपने फरमाया फरमायालफम वलफरज इंसान का ये मुंह ये जुबान और उसकी शर्मगा जब इंसान अपनी जुबान की हिफाजत न करे और अपनी इज्जत और अपने इसमत और अपनी, अपनी शर्मगा की हिफाजत न करे तो ये वो गुना हैं जो इंसान को बहुत जल्द जहन्नम की तरफ ले जाते हैं रसूल सल्लाम का फरमान है कि सबसे ज्यादा लोग जो जहन्नम में फेंके जाएंगे वह अपनी इस ज़ुबान की वजह से इस जुबान की वजह से जहन्नम में फेंके जाएंगे इसलिए आप अलैहि वसल्लम ने एक सच्चे मुसलमान की तारीफ यूं की है कि, कि अलमुसलिम सलिमुसलिमिलसानी वही सच्चा मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों जिसकी ज़ुबान दूसरों को तकलीफ़ नहीं देती और जिसका हाथ दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता दरअसल वो इंसान है जो सच्चा मुसलमान है तो रसूल सल्ला वसलम ने हमें अच्छे अखलाक की तलकिन ही नहीं की बल्कि आपने अमली तौर पर इसका इजहार करके दिखाया है और आप सल्ला वसलम ने हमें बतलाया है कि अच्छा अखलाक कैसे किया जाता है और किस तरह लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आते हैं अगरचे इसकी बहुत लंबी तफसील है कि अच्छे, अच्छे अखलाक में कौन सी चीज़ें आती हैं बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें अच्छे, अच्छे अखलाक से मुतल हैं लेकिन अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम अपना अखलाक दुरुस्त करें तो उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें उन पर अमल करना ज़रूरी है जब तक हम उन चीज़ों को नहीं अपनाते उस वक़्त तक हमारा अखलाक अच्छा नहीं हो सकता उनमें से सबसे बुनियादी चीज जो है वो है दरगुजर और मुआफी दूसरों को मुआफ कर देना आप जिस मुआरे में जिस सोसाइटी में जिस कम्युनिटी में रहते हों यह नामुमकिन है कि आपका किसी के साथ इख्तलाफ ना हो औकात मामला में माली मामला में लेन देन में इख्तलाफ हो जाता है बात औकात झगड़े तक पहुंच जाती है कभी किसी की बात सुन के आपका दिल दुखता है कभी किसी का कोई काम देख के आपको तकलीफ पहुंचती है यानी यह मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो इस दुनिया में रहते हुए कि आपको दूसरों से कोई तकलीफ ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व व अला अज़ाहुम ला ला वी अला अज़ाहुम आपने फरमाया वो मुसलमान वो मोमिन जो लोगों से मिलता जुलता है उनके साथ घुल मिलकर रहता है और फिर इसके साथ साथ उनकी तकलीफों पे सब्र भी करता है क्योंकि जब आप जितने ज्यादा लोगों के साथ आपका ताल्लुक होगा आपको शायद उतनी ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़े अगर आपके पांच दोस्त हैं तो पांच दोस्तों की बातों से शायद आपको तकलीफ पहुंची और अगर आपके पचास हैं तो पचास बातें आपको सुननी पड़ेंगी फर्क तो होता है आपने आपने फरमाया कि जो शख्स लोगों के साथ मिलजुल रहे और फिर उनकी तकलीफों पे सब्र करे वो बेहतर है उस इंसान से जो लोगों के साथ मिलता ही नहीं है ना लोगों के साथ मिलता है ना उसको कोई तकलीफ पहुंचती है ना उस पर वो सबर करता है उससे बेहतर है वो इंसान जो दूसरों के साथ मिल के रहता है और फिर उनकी तकलीफ़ों पर सब्र भी करता है तो सब्र करना दरगुजर करना मुआफ़ कर देना दरअसल रसूल अक्रम सम ने हमें इसकी तल्कन की है और इसका आप सल्ला वसलम ने हमें सबक दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत इसका बेहतरीन नमूना है इसकी बेहतरीन अमली मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों को मुआफ़ किया बहुत से वाक़ात अहादीस में मिलते हैं काश हम उन अहादीत को पढ़ते वक़्त अपने अखलाक पर नज़र दौड़ा लिया करें कि हमारा अखलाक रसूल सल्ला वसलम के अखलाक़ के मुकाबले में क्या हैसियत रखता है जिस पैगम्बर के उम्मती होने का हम दावा करते हैं क्या उस सल्लल्लाहु अलैहि वम के अखलाक की कुछ झलक हमारे अखलाक में नज़र आती है हकीकत है कि बसा अवत अगर हम अपना ही मुहासबा करने बैठें तो लगता ऐसे है कि रसूल अलैहि वल् के साथ महब्बत का दावा हमारा कोई खोखला दावा है कुछ सच्चा दावा नहीं आप सल्लाम के साथ महब्बत का तकादा तो ये है कि जो अखलाक आपने पेश किया है उसी अखलाक को अपनाया जाए और जिस तरह आपने लोगों को मुआफ़ किया है उस तरह मुआफ़ किया जाए मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ रसूल्ला सल अल्लाह आल एक मरतबा हजरत अबू हर रदील्ल् तरमाते हैं कि रसूल सल्ला वसम रास्ते में चल रहे थे कि अचानक एक बद्दू एक आरबी एक देहाती आदमी आया और उसने रसूल्ला सलाह वसलम के गले में डाली हुई जो चादर है उसको पकड़ा उसको पकड़ के उसको इस तरह मोड़ना शुरू कर दिया इस तरह मोड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस घुटने लगा और फिर उसने जोर से अपनी तरफ खींचा और फिर उसके बाद छोड़ा सहाबी कहते हैं कि मैं देख रहा था कि उस चादर के खींचने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे निशान भी पड़ गया फिर वो छोड़ के कहता है या मोहम्मद मोर मदीक ए मोहम्मद सल्ला जो जाहरी तौर पर गुस्ताखी है या मुहम्मद कहना उसने कहा या मुहम्मद अल्लाह ने जो तुझे माल दिया है जो तेरे पास बैतुलमाल में पड़ा है उसमें से मुझे दे अब रसूल सल्लाम ने क्या किया और सिर्फ आपने ही नहीं सहाबा ने क्या किया जो आप पे जाने नछावर करने वाले थे आप जरा तस्वर करें एक मिनट के लिए हमारा कोई बुजुर्ग हमारा कोईिलहतराम इज्जत शख्सियत हो उसके साथ हमारे सामने ऐसे किया जाए हम एक लम्हे के लिए सब्र करेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल ही पैदा नहीं होता क्या? हम कहें नहीं जी ये इज्जत का मसला है एक आलम दीन की तोहीन हो गई है और लोगों ने समझा क्या है इसकी ऐसी कि तैसी ये और वो और नबी के सहाबा से बढ़ के नबी से महबत करने वाला कौन है सहाबुल वहां देख रहे हैं और वो इंसान वो एराबी वह देहाती वह आप के साथ ये सलूक कर रहा है और इस तरह बेअदबी और गुस्ताखाना अंदाज में बोल रहा अब रसूल का एक्शन क्या था हमारे लीडरों जैसा कोई लीडर हो तो वह तो आंख का इशारा करेगा पकड़ लो इसको फ़ौर इसने किया क्या है मेरे साथ इसको जुरत कैसे हुई साहब साहब फरमाते हैं कि रसूल वसलम ने उसकी तरफ देखा फलता फता इले ही फ प्यारे पैगंबर सल्ला ने उस आदमी को देखा और आप मुस्कुरा दिए आप हंसे और फिर आपने फरमाया बिलल ये माल में से जितना लेना चाहता है जाओ इसको दे दो यह है प्यारे सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम का अखलाक ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था फतह मक्का के मौके पर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन मुजरमों को लाया गया जिन्होंने आपको इतना सताया कि मक्का छोड़ने पे आप मजबूर हो गए और मक्का छोड़ते वक्त आंसू बहाते हुए बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके आपने फरमाया कि ए मक्का और ए अल्लाह का घर मैं जानता हूं कि अल्लाह की ज़मीन पे तू अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है अगर तेरे रहने वाले मुझे यहां से निकल पे यहां से निकलने पे मजबूर ना करते तो मैं कभी तुझे छोड़ के ना जाता इतने दुख और इतने दर्द के साथ आप वहां से निकले दस साल मदीना मुनवरा में रहे और फिर वहां आपकी वफात हुई आठ साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मदीना मुनवरा में इस बेताबी में गुजारे कि कब मुझे अल्लाह मौका दे और मैं मक्का मुकरमा में जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और वही लोग जिन्होंने आपको इतना सताया था कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया एक मुजरम और कैदी की हैसियत के से आपके सामने खड़े हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा ये है जिसको अरबी जुबान में कहते हैं कि अल्फ़्लुमा शहीदत बेहल आदा असल मकाम मरतबा वो होता है कि जिस मकाम और मरतबे की गवाही दुश्मन भी दें इज्जत वो होती है जिस इज्जत को दुश्मन भी मांग जिस इज्जत को दुश्मन भी तस्लीम करे और माने वो दरअसल इज्जत होती रसूल सल्ला व्ल् के दुश्मनों ने क्या कहा जो आपके नाफ़रमान थे आपको ताने वाले थे कहा कि अंत करीम अबनल करीम हम तो आपके बारे में ये समझते हैं कि आप बड़े ही मुशफिक बड़े ही मेहरबान और बड़े ही सखी दिल हैं आप अगर यही बात है तो फिर इज हबू अंत जाओ तुम सारे के सारे आज़ाद हो मैं मोहम्मद सल्लाम आज तुमसे बदला लेने नहीं आया वरना चाहते तो आपके सामने वो मुजरिम खड़े थे उनसे चाहते तो आप बदला ले सकते थे जो आपकी जान के दुश्मन थे और मेरे भाई हमारी क्या हालत है हम वो कुफार थे अल्लाह के रसूल ने उनको मुआफ कर दिया हम अपने मुसलमानों को माफ नहीं करते हम और मुसलमानों को माफ करना तो दूर की बात है भाई सगे भाई को माफ नहीं करता बहन सगी बहन को माफ नहीं करती रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करते और मुआफ़ ना करने वाला इंसान हकीकत में बद अखलाक इंसान होता है जो दूसरों को मुआफ़ नहीं करता जिसमें इतनी जुरत और इतनी हिम्मत नहीं कि दूसरों की गलतियों से दरगुजर करे और उसको मुआफ़ कर दे वह नहायत बद अखलाक इंसान अच्छे अखलाक का इंसान वो है जो दूसरों की गलतियाँ देख के फिर मुआफ़ कर दे हज़रत अबू बकर रज़ील्ल्ला की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ किज़रत अबूबकर रदी अल्लाह त रसूल अक्रम के सबसे महबूब और सबसे करीब तरीन सहाबी थे और जिनके बारे में अहलसन्ना वजमा अहलदीस का अकीदा ये है कि अशरफुल अशरफुल अशरफुलशरफुल्खल्की बादल अम्बिया अबू बकर कि अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के नबियों के बाद सबसे मज्ज़ तरीन कोई हस्ती है तो वह अबू बकर की अबकर सदीक़ ऱी अल्लाह तनों का वाक़ है जो सही बुखारी में मौजूद है कि जब उनकी बेटी हमारी माँ रसूल अक्रम सम तो की जवजा महतरम आयशा सद्दीक़ा तय्यबा ताहिर ऱी अल्लाह तह पे मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिनोबई और उसकी ग्ररो और उसकी पार्टी ने उसके साथ मुनाफी जो थे उन्होंने हज़रत आयशा रदील्ला ता पे बुराई का बहुतान लगा दिया तो उन दिनों की बात है कि हज़रत आयशा रजील् तन को इस बात की खबर नहीं थी कि मुनाफिकीन ने मदीने में ये गलत ख़बर फैलाई हुई है और ये अफवाह फैलाई हुई है कि नाऊद बिल्ला नाऊद बिल्ला मअद आयशा का सफ़ान बिन असाल रजी अल्लाह तन के साथ कोई गलत ताल्लुक़ था हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह को इस बात की खबर नहीं थी कहती हैं कि मैं एक रात अपनी खाला के साथ अप, अपनी पूफी के साथ घर से बाहर निकली जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है अपने मुल्कों में कि देहातों में जब घरों में टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता था तो ख़ात रात के वक़्त अंधेरे में बाहर जाती थी अपनी ख़जाए हाजत के लिए कहती हैं कि मैं अपनी पुपो के साथ अपने घर से निकली रास्ते में जाते हुए मेरी पुपी जान के पाँव को कोई उनके पांव को पत्थर लगा और वो गिरने लगी तो उनके मुंह से ये लफज निकले कि हलाक मिस्ता कि मिस्ता हलाक हो जाए मिस्ता उनका बेटा था कहने लगी जब उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले तो मैंने कहा फूफी जान आप अपने बेटे को बदवा दे रही क्या वजह है तो फूफी जान कहने लगी आयशा तू भोली है तुझे पता नहीं क्या हुआ है कहने लगी नहीं मुझे तो खबर नहीं क्या है कहने लगी कि मिस्ता असल में मुनाफिकीन की बातों में आ गया है और उसने भी तुम्हारे बारे में कुछ इस तरह की नरम गुफ्तु करना शुरू कर दी है और फिर उन्होंने हज़रत आयश रजी अल्लाह को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है मुनाफिकीन ने यह अफवाह मदीने में फैलाई हुई है और मेरा बेटा मिस्ता उनकी अफवाहों के चक्कर में आ गया है और वो भी कोई नरम गुफ्तु इस तरह की करता है आपके बारे में हज़रत आयशर रदी अल्लाह तहा को उस वक्त पता चला घर में वापस आई खैर लंबा वाक़ है वाकईफ़ के नाम से मारूफ है अब हज़रत आयशर रदी अल्लाह तह के वालद ग्रामी स ना अबू बकर को जब पता चला कि मेरा भांजा मिस्ता हु मुनाफिक के साथ बैठ के मेरी बेटी के बारे में वो किस तरह की नरम गुफ्तु करता है तो र है बाप होने की हैसियत से उनके दिल में कुछ ना कुछ तो आना था लेकिन बाप अजीम बाप था हजरत अबू बकर सदीक मस्ता के मामू थे और वो अपने भांजे की कफालत करते थे उसको माली तौर पर उसका ताउन किया करते थे और मिस्ता हजरत अबू बकर सदीक का भांजा उनके जेर कफालत था अब जरा ये सारी सूरत हाल सामने रखिए और अगली बात सुनने से पहले मैं और आप अपने आप को इस जगह पे खड़ा करें और फिर देखें कि हमारी सूरत हाल क्या होगी कि आप अपने घर में जाएं आपकी बेटी रो रही हो आप पूछे बेटा क्या हुआ तो बेटी आपको रोते हुए आंसू साफ करते हुए अपने चेहरे से कहे कि जी मुझे अब्बा जान आपके भांजे ने मुझे मारा है या आपके भांजे ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है तो आपका क्या रिएक्शन होगा हमारा क्या रिएक्शन होगा क्या रद्दमल होगा हम कहेंगे नहीं जी ठीक है कोई बात नहीं नहीं हम तो कहीं के कहीं जाएंगे हम तो कहेंगे ये होता कौन है वो सारी जिंदगी मेरा माल खाने वाला मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मैं इसकी तरबियत करने वाला सारी जिंदगी के एहसान जतलाने हम शुरू कर देंगे और मैंने इसके साथ ये कुछ किया और इसको यह जरूरत क्या हुई कि ये मेरी बेटी पे हाथ उठाए मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करे और जो लोग दीन से दूर ये बात मैं करता हूं दीनदारों की और ये हकीकत है हमें इसे तस्लीम करना दीनदार नमाजी परहेजगार हज रोजे का अहमाम करने वाले उनकी हालत यह होती है कि ऐसे मौकों पर वो बदखलाकी पर उतर आते हैं बजाए मुआफ करने के बजाय सब्र करने के बदखलाकी पर उतर आते हैं। और जो हैं ही बेदीन उनकी हालत वो तो अल्लाह माफ़ करे वो जिस हाल तक पहुँच दे वो तो फिर गाली गलोच लान तान और सिर्फ यहीं तक नहीं ऐसी मामूली बातों पर बस नौबत कतल तक पहुँच जाती है कि यह होता कौन है ऐसा करने वाला ऐसी जरूरत किस में पैदा हो सकती लेकिन अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तौके पर क्या किया गाली दी अपने भांजे को नहीं कतन नहीं इसका तस्वूर भी नहीं हो सकता अबू बकरीक ने कहा क्या कहा उसको बुरा भला कहा आपने कोई एहसान जतलाए, उसको कत्ल की धमकी दी कुछ भी नहीं कहा एक बात सिर्फ कही सिर्फ एक बात क्या बात थी कहने लगे कि मस्ताह की इस हरकत से मेरा दिल दुखा है लिहाजा आज के बाद मैं अपने भांजे मस्ता को जो माली तामन उसका किया करता था मैं वो नहीं किया करूँगा लेकिन अल्लाह आलमीन ने अबू बकरीक रजील्ला तू और उनके बाद पूरी उम्मत मुस्लिम मुझे और आपको यह सबक देना था अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी सूर्य नूर की आयतों में जहाँ हमारी माँ ऐशा रजील् तह की बरात का इजहार किया गया अल्लाह रबालमीन ने अठारह आयतें नाजल फरमाई उन्हीं आयतों के दरमियान में अल्लाह ने यह आयत नाजल फ़रमाई कितुन वल महाजरी फ़ी सभी अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से अल्लाह ने जिन लोगों को इज्जत दी है जिनको मकाम दिया है अल्लाह ने जिनको माल और दौलत दिया है अल्लाह का इनाम एहसान जिन लोगों पर है उनके शयान शान नहीं कि वो इस बात से इनकार कर दें कि हम अपने रिश्तेदारों को देंगे नहीं जो जरूरतमंद है हम उन पर खर्च नहीं करेंगे या उनकी शयान शान ही नहीं है उनकी शान क्या है वलयाफू वल उन्हें चाहिए कि जो चाहे हो जाए वो मुआफ़ कर दिया करें दरगुजर किया करें और फिर अल्लाह फरमाते हैं अला तो हब्बू ना यकुम क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अल्लाह के बंदों को माफ़ करो और उसके बदले तुम्हारा रब तुम्हारी गलतियां मुआफ़ कर दे व्ह ग़फ़ूर रहीम सबसे ज़्यादा बढ़ के मुआफ़ करने वाला तो अल्लाह गफ़ूर रहीम जब यह आयत नाजल हुई सही बुखारी में तफसीली वाक़ मौजूद है रसूल सल्ला ने सदीक रदी अल्लाह तक को अपने पास बुला के ये आयत पढ़ के सुनाई बकर सदीक रदी अल्लाह तु फ़ौर समझ गए और जब ये आयत सुनी ये इस आयत के आखिरी अल्फाज सुने अला तो ना ऊफ़िरल्लकम अल्लाह रब्लम इस अंदाज़ से कहते हैं अला तो नाई ऊफ़िरल्लाकम लोगों क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे तुम लोगों को माफ़ करो और उसके बदले तुम्हारा रब तुम्हें मुआफ़ कर दे क्या तुम नहीं चाहते जब अबू बकर्फाज सुने तो आंखों में आंसू आगे कहने लगे बला 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 फिर हिब्बिरल्ला क्यों नहीं मैं अबू बकर तो चाहता ही ये हूँ कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे और वहीं रसूल अल्लाह के सामने बैठे बैठे फिर कहा कि जिस तरह मैं मिस्ता को पहले माली ताम उसका किया करता था मैं उसी तरह दोबारा फिर उसकी इमदाद शुरू करता बीन ए मेरे बंदो दूसरे से आगे बढ़ के अल्लाह की मगफरत लेने की कोशिश करो दौड़ लगाओ अल्लाह की बख्शिश को हासिल करने के लिए और उस जन्नत के लिए दौड़ लगाओ जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानो जमीन के बराबर है वो जन्नत जो अल्लाह ने मती लोगों के लिए तैयार की है और मती लोग कौन हैं अल्लाह ने फिर उनकी सिफ़ात बयान की हैं उनकी पहली सिफत अल्लादीनफिकून फ़र्राउर्रा मुती वो लोग वो होते हैं जो तंग दस्ती में भी अल्लाह की हा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और ख़ुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्ज करते हैं और दूसरी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई वालकादी वह गु़स्े को पी जाते हैं अल्लाह ने पहली सिफत जिक्र की जो खर्च करते हैं और दूसरी सिफत के गुस्से को पी जाते हैं तीसरी सिफत अल्लाह ने बयान की कि वो लोगों को मुआफ़ करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करना गुस्से को पी जाना मुआफ़ कर देना इन तीनों सिफतों का बड़ा गहरा ताल्लुक है बड़ा गहरा ताल्लुक है और इसको समझने की जरूरत है और वह ताल्लुक ये है कि हम जैसे जब किसी को कुछ हफ़्तों के लिए कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए अपने ही रिश्तेदारों में से किसी को अगर उसका ताउन करने लग जाए तो हम शैतान हमें यह सबक सिखलाना शुरू कर देता है कि जिसको मैं कुछ दे रहा हूं, अब इसका हक नहीं बनता कि वो मेरे सामने सर उठाए वो मेरा एहसान मंद बन के रहे मेरे सामने नज़र झुका के रहे और अगर उसकी तरफ से कोई मामूली सी बात भी आ गई तो कहेंगे जी सारी जिंदगी मैंने इसके साथ ये ये एहसान किया एहसान जितलाना हम शुरू कर देते हैं जबकि कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है उन गुनाहों में से एक गुनाह के जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यामत के दिन ऐसे इंसान को ना देखेंगे ना उसको गुनाहों से पाक करेंगे बल्कि उसको घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा यह गुनाह एहसान जितलाने वाला जो दे के एहसान जितलाता है मैंने जी अपने फलां के साथ ये नेकी की थी मैंने ये मेरा रिश्तेदार था मैंने बड़ा उसके साथ किया जी देखें जी उसने मेरे साथ अल्लाह के बंदे तूने उसके साथ किया है उसके लिए अगर उसके लिए किया है तो तूने अपनी नेकी बर्बाद कर दी है दुनिया में ही उसको जला के राख कर दिया अगर अल्लाह के लिए किया था तो जुबान पे ये कलेमात आने ही नहीं चाहिए कि मैंने फलां के साथ एहसान किया और उसके साथ नेकी की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसायत में हमें ये सबक दिया है कि खर्च करें और गुस्से को पी जाएं जिन पे खर्च कर रहे हैं जिनके साथ माली तान कर रहे हैं उनसे अगर कोई गलती हो जाए तुम्हारे हक में कोई कोताही उनसे हो जाए तो उसको मुआफ करें बजाय धमकियां देने के, के आज के बाद मैं तुम्हें खर्च ही नहीं दूंगा और आज के साथ आज के बाद मैं तुम्हारे साथ तान ही नहीं करूंगा ये बद अखलाक है अच्छा अखलाक नहीं है अच्छा अखलाक ये है कि मुआफ मुआफ, मुआफ 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 करें दरगुजर करें अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार इसका जिक्र किया है और शूरा शूरा में तो अल्लाह ने यहां तक फरमा दिया कि वाला मन सबारा वा गाफा रहा इन नदाली का लमिन कि जो इंसान सब्र करे और दूसरों को मुआफ करे अल्लाह फरमाते हैं कि ये कोई को मामूली बात नहीं है लमिन उमूर। ये बड़ी पुख्तगी की बात है बड़ी हिम्मत वाली बात ये कोई मामूली बात नहीं है यहां तो लोग वालदेन का अगर किसी के साथ इख्तलाफ हो तो सिर्फ वालदेन ही नहीं वो अपनी औलाद को जाते जाते इस दुनिया को इस दुनिया से रुखसत होते होते अपनी औलाद को ये गलत और नाजायज और गुनाह की वसीयत करके जाते हैं कि बेटा देखना सारी जिंदगी मेरा उसके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रहा तो तुम भी उसके साथ कभी ना मिलना अगरचे तेरा चचा है अगरचे तेरा मामू है अगरचे तेरी फूफी है अगरचे तेरी खाला है जो भी है लेकिन तू जानता है कि मेरे साथ तेरे चचा ने तेरे मामू ने तेरी फूफी ने मेरे साथ क्या सलूक किया था खबरदार उनसे कोई ताल्लुक न रखना। ये कतारहमी रिश्तेदारियों को तोड़ना रिश्तेदारियों को दूर करना यह अल्लाह की लानत को मूल लेने वाली बात है अल्लाह ने कुरान मजीद में सूर्य मोहम्मद में ऐसे इंसानों पे अपनी लानत की है अल्लाह फरमाते हैं फहल असई तुम इन तल्लई तुम अनुफुफुरह तुम क्या समझते हो कि तुम अल्लाह के दीन को छोड़ के दूसरी तरफ मुंह करके रिश्तेदारियां तोड़ के अल्लाह की ज़मीन में फसाद फैलाना चाहते हो उला इकल्दी आमा अबसार की लानत है ऐसे लोगों पर जो रिश्तेदारियों को तोड़ते हम में से कितने हैं जो रिश्तेदारियों को मिलाने की कोशिश करते और कभी हमने गौर किया है अपने अखलाक और अपने किरदार पे कि हमारे अपने अखलाक की वजह से हमारी बदखलाकी की वजह से और हमारे बुरे सलूक की वजह से कितने रिश्तेदार हैं जो हमसे दूर हो चुके और इसके साथ ही मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि आम तौर पर देखने में आता है कि जो लोग दीन की तरफ आते हैं जिनको अल्लाह रब्लमीन दीन पर अमल करने की तोफीक नसीब फरमा देते हैं ऐसे लोग बेचारे बस औकात अच्छे अखलाक से महरूम हो जाते हैं बस उनके जहनों में एक ही बात हर वक्त सवार होती है कि जी नमाज की पाबंदी अच्छा अकीदा, दुरुस्त अकीदा तोहेद की समझ नमाज की पबंदी रोज़े का एहतमाम सुन्नत का अहतमाम ये सब कुछ लेकिन अगर उनके अखलाक को देखा जाए तो वो बेचारे इस बात को भूल जाते हैं कि जहाँ आप तोद पर इतना जोर दे रहे हैं जो कि दीन की बुनियाद है जिसके बगैर इंसान को जन्नत का दाखला मिल ही नहीं सकता वो अपनी जगह पे उसकी अहमियत का कोई इनकार नहीं कर सकता सुन्नत रसूल अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जगह पे वो लाजमी है उसके बगैर नजात ही नहीं लेकिन अच्छे अकीदे और सुन्नत के साथ मोहब्बत का कतई तौर पर यह माना नहीं है कि आप बदखलाकी पर उतर आए रसूल सल्लाह ने अपनी दावत का जब आगाज किया था कभी हमने सोचा है हम इस बात को तो बड़ी जुरत से बयान करते हैं और सुनते हैं और इसका तस्करा करते हैं कि जी दावत का इन, दावत की इब्तदा तो से होनी चाहिए हाँ तो से होनी चाहिए दलील क्या है कि रसूल सल्लम ने मक् मुकरमा में जब अपनी दावत का आगाज़ किया था तो तोहीद से किया था बिल्कुल ठीक है बर हक है यही होना चाहिए लेकिन कभी हमने सोचा है कि दावत तोहेद का आगाज़ रसूल कब किया था जब आपकी उम्र चालीस साल थी चालीस साल से पहले क्या था कुछ था पहले जो आपने लोगों के सामने रखा था चालीस साल आपका किरदार और आपका अखलाक था उस अखलाक की बुनियाद पे आपने तोहीद की दावत का आगाज किया था और आपने लोगों से जुरत से कहा था कि लकद लबिस्तुफी कुमर अमिन कबल ही जिंदगी की चालीस बहारे तुम्हारे अंदर गुजार चुका हूं अगर मेरे अखलाक पे किसी को कोई मेरे अख्लाक पे किसी को कोई इतराज़ है तो बताए अगर मेरे अखलाक पे एतराज़ नहीं तो फिर जो मैं बात करता हूँ उस बात को मान लो शायद यही वजह है मेरे भाई हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है शायद यही वजह है कि हमारी दावत में वो असर नज़र नहीं आता हम चाहते हैं कि लोग अच्छे अकीदे की तरफ़ आए हम चाहते हैं कि लोग रसूल अक्रम सम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ लेकिन अखलाक की कमी हमारे अंदर होती हम वो अखलाक लोगों को शायद नहीं दिखा सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक नबूवत मिलने से पहले क्या था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत मिली जब पहली वही आप पे नाजिल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस लौटे थे तो हमारी माँ खदीजा तआला रजील्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जानसार बीवी कि जिसने नहायत मुश्किल हालात में आपको हिम्मत दी और आपका भरपूर साथ दिया उसने आपकी बीवी ने हमारी माँ सयदा खदीजा रजी अल्लाह तसूल को किन अल्फाज में तसली दी थी आपने फरमाया कल्ला अबदा फरमायाबदा मेरे सरताज हरगज नहीं अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा आप घबराए मत आप परेशान ना हो क्यों इन्ना कल्ला तहसील रहीम कल वह तक व तकर वतयी अला नवा हक आपके अंदर तो ये आला खूबियाँ हैं कि आप रिश्तेदारों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता आप अपने हाथों से कमा के उस भूखे का पेट भरते हैं आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं वह तहमील कल आप लोगों का बोझ अपने सर पर उठाते हैं लोगों की तकलीफ़ों में उनके दुखों में उनका साथ देते हैं जब आपका अख्लाक ये है तो ऐसे अखलाक वाले इंसान को अल्लाह रसवा नहीं किया करता रसूल अक्रम सला व्म ने चालीस साल की अखलाक से भरपूर ज़िंदगी उन लोगों के सामने रखी और फिर कहा कि अब मैं तुम्हें अल्लाह की तोहद की दावत देता हूँ लिहाजा प्यार पैगम्बर सल्ला व्म की सीरत तयबा को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम अपना अखलाक दुरुस्त करें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें कोशिश करें कि इस ज़ुबान से कोई कलमा ऐसा ना निकले कि जिससे मेरे किसी मुसलमान भाई किसी मुसलमान बहन का दिल दुखे अगर मेरी इस जुबान से कोई कलमा ऐसा निकल गया तो मेरे भाई ये बड़े सदमे की बात है शायद हम इसका एहसास नहीं करते मैं एक हदीस यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि सहाबा इक्राम रिजवानल्लाजमाइन मिसालें तो बहुत मिलती हैं साहबा इक्राम रिजवानल इस मामले में कितने हसास थे अल्लाह के रसूल सल्म के तरबियत याफ़्ता थे उनको फिक्र होती थी हर वक्त कि हमारी ज़ुबान से कोई एक कलमा ऐसा ना निकल जाए कि जिससे दूसरे मुसलमान भाई का दिल दुखे और हम जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि हम इसकी परवाह ही नहीं करते हम परवाह करने के बजाय इस बद अखलाक़ी को बड़ी जुरत से बयान करते और इस गुनाह को बड़ी सीना जोरी से करते सही मुस्लिम की रवायत है कि रसूल अक्रम सला व्लम के सहाबा कराम में से तीन मारूफ़ सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तु हज़रत सहैब रूमी रदी अल्लाह तह औरत बिल हबशी ऱील्ल्ह तीनों परदेसी साहबा इकट्ठे एक, एक जगह पर बैठे हुए उनके पास से अबू सुफियान गुजरे अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे उस वक़्त उनके पास से गुज़रे इन तीनों सहाबा को बड़ा दुख था कि अबू सुफियान ने बहुत सी जंगों में रसूल अक्रम के ख़िलाफ़ लश्करों को तैयार किया और बहुत से मुसलमानों को मैदान जंग में इसने शहीद किया है उनके दिलों में दुख था सुलहदैबिया के मौके पर मुशीन मक्का के साथ रसूल अक्रम सदा सुलह का एक माहदा हुआ था उसके बाद कुछ अरसे के बाद अबू सुफियां मदीना में आए ये तीनों सहाबा बैठे हैं इनके पास से अबू सुफियान गुजरे तो इन्होंने कहा कि अजीब बात है कि आज तक अल्लाह की तलवारों में से कोई तलवार अल्लाह के इस दुश्मन की गर्दन पे पड़ी ही नहीं अभी तक ये जिंदा फिर रहा ये उनके दिल में एक गुस्सा था उसके खिलाफ और गुस्सा कोई झातीी गुस्सा नहीं था गुस्सा अल्लाह के दीन का गुस्सा था जो गज़ब था अल्लाह के दीन का गज़ब था कि क्यों क्यों, क्यों, क्यों क्योंकि अबू सुफियान उस वक्त रसूलम का अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का अल्लाह के दीन का दुश्मन था इस वजह से उसके साथ दुश्मनी थी और इस दुश्मनी का इजहार उन्होंने अपने कलेमात में कर दिया कि अभी तक अजीब बात है कि अल्लाह की तलवारों में से कोई तलवार अल्लाह के इस दुश्मन की गर्दन पे पड़ी ही नहीं है अभी तक ये जिंदा फिर रहा जब उन्होंने ये बात की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल थे बड़े नरम मिजाज थे उन्होंने ये बात सुन ली और कहने लगे अतकुल नहादा शैखी कुरैश इन व सैदि अ मेरे साथियों क्या अबू सुफियान जो कुरैश का सरदार है जो सरदार है आखर उनका सरदार है बड़ा है बड़ों की अपनी वो कौम का अपने इलाके का वो एक लीडर है लीडरों का कुछ ना कुछ तो ख्याल करना चाहिए अब बकरील्ला ने सिर्फ इतनी बात कही कोई बुरा भला उनको नहीं कहा कि तुम कौन होते हो कहने वाले तुम्हें ख्याल ही नहीं है तुमने ये क्यों क्या नहीं सिर्फ नरम अल्फाज में ये कहा कि क्या कुरैश के सरदार के बारे में तुम ऐसी गुफ्तू करते हो ऐसा नहीं करना चाहिए यह कह कहकर बस इतनी बात कही ये तीनों सहाबा आगे से खामोश रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह यह है उनके दिलों की सफाई जरा देखिए कि अल्लाह ने कैसे पाकिजा दिल ये लोग पैदा किए थे अबू बकर अब बकरी के दिल में फ़ौर यह ख्याल आया कि कहीं मेरी इस बात से प्यार पैगम्बर सल्ला दिल ना दुखा हो फौरन भागे गए रसूल अक्रम सलाम के पास और जाकर यह वाक़ बयान किया अल्लाह के रसूल ऐसे हुआ है तीनों सहाबा सलमान फारसी सोहेबरूमी बिलाल हबशी तीनों बैठे थे अबू सुफियान उनके पास से गुजरे उन्होंने अबू सुफियान के बारे में ये कहा तो मैंने आगे से उनको ये कह दिया है अब जरा देखिए रसूल अक्रम सला की महबत साहबा से आपने मैं या अबा बकरदबता हूँ फकद अगदब तबक अबू बकर शायद तूने ये बात कह के मेरे उन तीनों साहबा का दिल दुखा दिया है तूने उनको नाराज कर दिया है और अब बकर अगर तूने उन तीनों मुसलमानों का दिल दुखाया है उनको नाराज कर दिया है तो हकीकत में तू अपने रब को नाराज कर दिया अब अबू अब बकर थे रजियल्ला कैसे सुकून आता ये बात सुन के मेरी बात से तीन मुसलमानों का दिल दुख गया है और तीन मुसलमानों का दिल दुखने से मेरे रब मेरा रब मुझ पर नाराज हो जाएगा अबू बकर बेचैनी हुई फौरन लौटे उन तीनों साहबा के पास जाके कहने लगे या इखवता अगब मेरे भाइयों क्या मेरी बात से तुम्हें गुस्सा लगा है क्या मैंने कोई ऐसी बात कही है कि तुम्हें तुम्हारा दिल दुखा हो अब वो भी तीनों नबी के तरबियत याफ़्ता नबी के तरबियत याफ़्ता साहबी थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि ला यग फिरल्ला का या उखई नहीं हमारे प्यारे भाई अबू बकर अल्लाह तुझे मुआफ़ करे, कोई ऐसी बात नहीं ये एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है उन सहाबा कर रिजवानल्लामजमाइन की बहुत सी मिसालों में से एक कि उन सहबा का आपस में प्यार तल्लुक़ महब्बत कैसा था अखलाक जरा उनका देखिए कि एक मामूली बात अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तुम की ज़ुबान से निकली है और फ़ौर ये बेचैनी लग गई और फिक्र लग गई कि कहीं मेरी इस बात से उनका दिल ना दुखा हो और रसूल अक्रम सम ने सिर्फ अबू बकर की तरबियत के लिए नहीं मेरी और आपकी तरबियत के लिए भी ये फरमा दिया कि अगर उनका दिल तूने दुखाया है तो दरअसल तूने अल्लाह को नाराज़ कर दिया हम इस बात का एहसास हमें नहीं होता कि हमारी किसी बात से हमारे किसी अमल से हमारे किसी काम से किसी मुसलमान भाई बहन का दिल दुखेगा और उसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा नहीं हम इस बात का एहसास ही नहीं कर होना ये चाहिए कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उस गलती को माफ़ करें अच्छा अखलाक दरअसल यही है जो आपके साथ अच्छा है आप उसके साथ अच्छे हैं तो ये अच्छा अखलाक अच्छा अच्छा है यह कोई अच्छे अखलाक अच्छा की निशानी या उसकी तारीफ नहीं है ये तो हर इंसान करता है ये तो गैर मुस्लिम भी करते हैं मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क फिर क्या रह जाता है आप अगर गैर मुस्लिम के साथ किसी काफिर के साथ अच्छा अखलाक अच्छे अखलाक से पेश आएंगे वो भी आपसे अच्छे अखलाक से पेश आएगा ये तो एक इंसान की नेचर है इंसान की फ़ितरत है अच्छा, अच्छा, अच्छा अखलाक अच्छा जिसकी तालीम प्यारे पैगम्बर सल्लम ने हमें दी है वो ये कि जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करें तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो ये है अच्छा अखलाक हम कितने लोगों के साथ ऐसा अच्छा अखलाक बरतते हैं जो हमारे साथ बद अख्लाकी से पेश आए जो हमें बुरा भला कहें जो हमारी गीबतें करें जो हमें बदनाम करने की कोशिश करें जो हमारे बारे में दूसरों के सामने गलत बातें करें जो हमारी इज्जतों पर हमले करें जो हम हमें गालियाँ दें जो हमें बुरा भला कहें जो हमारे साथ बुरे अखलाक से पेश आए हम में से कितने हैं कि हम उनके साथ अच्छे अखलाक़ से पेश आते हैं और हम में से कितने हैं कि जो वो मिसाल जो अपनी ज़ुबान में दी जाती है कि जी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कैसी घटिया मिसाल कैसी घटिया और गंदी मिसाल जो इस्लाम से जिसका ताल्लुक़ ही नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से नबी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है नबी ने पत्थर का जवाब फूलों से दिया है नबी ने पत्थर का जवाब दुआओं से दिया है और उस नबी के साथ हम महब्बत का दावा करते हैं और उस नबी के साथ उस नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं और हम ये मिसालें दें कि ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए बदखलाक़ी है ये अल्लाह रब्बुल रबालमीन हमें इस बदखलाती से महफूज़ फ़रमाए प्यारे पैगम्बर सल्ला वसम का इतना अजीम अखलाक कि अल्लाह रबाल अल्लाह रब्लम ने कुर मजीद में आयत नाजल फ़रमाई कि व इन्ना कालू के नाज़ीम महबूब मैं तेरे अखलाक की गवाही देता हूँ कि तू खुल्के अजीम का मालिक है इतना बुलंद अखलाक रखने के बावजूद मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लाम का जरा अंदाज़ तो देखिए कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं अल्तजा करते हैं क्या दुआ करते हैं अल्लाह में इन्नी असल का सहा वलफा वल अमान ए मेरे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे तंदरुस्ती फरमा तुम मुझे इफ़्फ़त और पाक दामनी अता फ़रमा और तुम मुझे अमानत अता फ़रमा और अल्लाह तुम मुझे अच्छा अखलाक अता फ़रमा सुबहान अल्लाह कायनात का, का सबसे अच्छे अखलाक का मालिक इंसान अल्लाह से इल्तजा करता है कि अल्लाह तुम मुझे अच्छा अखलाक अता फरमा एक दूसरी दुआ में आप फरमाते हैं अल्लाह महदीन अख्लाक लादीं लाफ अन सई आंत अः मेरे अल्लाह मुझे अच्छा अखलाक तू सिखा दे ए अल्लाह तू मुझे अच्छे अखलाक की हिदायत दे दे इसलिए इसलिए कि तेरे सिवा अच्छा अखलाक कोई अता फरमा ही नहीं सकता और अः अल्लाह मुझसे बद अखलाक़ी को दूर कर दे मुझे बद अखलाकी से बचा ले इसलिए कि तेरे सिवा मुझे बुरे अखलाक से कोई बचा नहीं सकता जब रसूल अक्रम की ये दुआ थी तो क्या मुझे और आपको नहीं चाहिए कि हम ये दुआ याद करें और अल्लाह से इल्तिजा किया करें कि अल्लाह हमें अच्छा अखलाकता फ़रमा दे तू हमें तोफ़ीकता फ़रमा कि हमारी ज़ुबान से हमारे हाथ से हमारे हर किस्म के अमल से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और अल्लाह हमें तू तौफ़ी अतः फ़रमा कि हमारी ज़ुबान से कोई कलेमा कभी ऐसा ना निकले कि जिससे किसी मुसलमान बहन भाई का दिल दुखे अल्लाह आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अच्छा अखलाकता फ़रमाए हुसन खुलोकल्ला हमें अता फ़रमा दे ताकि इसी अच्छे अखलाक की वजह से क्यामत के रोज़ अल्लाह रब्लम हमें प्यारे पैगम्बर सल्ला के करीब जन्नत में मकाम अता फ़रमा दे अल्लाह हमें अपनी असलाह करने की तोफ़ी अता फ़रमाए वमा बारह अभी इन अगर किसी भाई का मौजू के मतलब अगर कोई सवाल है तो इन मौके का फ़ायदा उठाकर सवाल पूछ लें इनशा ये भाई का सवाल है कि क्या रसोल वसम ने कभी सख्त अलफा में किसी को जवाब दिया रसूल अक्रम सम ने उस वक़्त सख्त अलफा में जवाब दिया जब अल्लाह के दीन की बात आती थी जब कोई इंसान अल्लाह के हुक्म में से किसी हुक्म को पामाल करता तो आप सल्ला वम उस पर नाराज़ होते और जिस तरह हज़रत आयशा रदील्ल्ला का फरमान है फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला व् ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया था अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया था हाँ अलबा अगर अल्लाह के हुक्मों को पामाल किया जाता पामाल करने का मतलब ये है कि कोई इंसान अल्लाह के हुक्म की तोहन करता और जानबूझ के उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नाराज़ होते और इसकी कई मिसालें अहाी में मिलती हैं कि कभी किसी सहाबी से कोई ऐसा अमल सरजद हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सख्त नाराज़ हुए लेकिन इसके बावजूद सख्त नाराज़ी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह की उनको उस गुनाह से आगाह किया कि ये गुनाह कितना बड़ा है ये जुर्म कितना बड़ा है लेकिन जाँ, उनकी जात पे तनकीद इस अंदाज़ से नहीं की कि उसे मकसूद उनको दूसरों के सामने जलील और रसुवा करना हो जिस तरह आम तौर पर हमारे अंदर होता है कि हम बस दीन का बहाना बना के दूसरों की बेइज्जती शुरू कर देते हैं ये ऐसा करना यह दुरुस्त नहीं है जी भाई का सवाल है कि अगर कोई आदमी आप पे जुल्म करता है तो आप उसके साथ क्या सलूक करें वो जिस मैंने शायद वो इशारतन हदीस का जिक्र किया है रसूल सल्ला वसम के सामने एक सहाबी ने आके कहा के रसूल अन ख़राबता आसिलहम व यक़तानी वफसिन व यूसी अल्लाह के रसूल सल्ला व् मेरे कुछ रिश्तेदार हैं मैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहते हैं वहसिन व यूसी ऊन मैं उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ लेकिन वो हमेशा मेरे साथ बदसलूकी करते हैं तो क्या करूँ आपने फरमाया कि अगर ऐसे ही है जैसे तू कह रहा है अगर तेरा उनके साथ ताल्लुक़ तेरा सलूक उनके साथ ऐसे ही है कि वो बदसलूकी करते हैं तू अच्छा सलूक करता है वो तालुक काटना चाहते हैं तू ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करता है आपने फरमाया अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मददगार फरिश्ता तेरे साथ होगा जो तेरी मदद करता रहेगा और तू गोया के उनके मुंह में राख डाल रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया एक दूसरी हदीस जाम तिरमजी में है आपने फरमाया सिल मन अक व आहसिन मन असाक व अहसिन मन असाक वन सोर मन वाला मक आपने फरमाया जो तेरे साथ ताल्लुक काटे उसके साथ ताल्लुक जोड़ जो तेरे साथ बदसलूकी करे बदसलूकी किसको कहते हैं बदसलूकी यही होती है ना कि किसी किसी को गाली देना किसी को बुरा भला कहना किसी को बदनाम करने की कोशिश करना दूसरों के सामने गलत अंदाज से उसका तजकर करना यही बदसलूकी होती यही बुराई होती आपने फरमाया जो तेरे साथ बुरा सलूक करे तो उसके साथ अच्छा सलूक कर और फरमाया जो तेरे साथ जो तुझ पर म करे तो उसकी मदद कर जो तुझ पे म करे तो उसकी मदद कर हाँ अलबत्त शरीयत में इतनी नुसत रखी गई है कि अगर आप म को ालम के लम पे सब्र नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि उसके खिलाफ बदुआ कर सकते हैं लाबाल जहा रब इमजुल अगर वाकता किसी ने आप पे म किया है और आप समझते हैं कि आपने उस पर म नहीं किया उसमें शर्त यह है कि आपका उस पर म ना हुआ हो लेकिन ऐसे बहुत कम होते बहुत कम होता है क्या आप ये कहें मेरी तरफ से कोई ज्यादती बिल्कुल नहीं हुई ना मैंने कोई बात की है ना मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे उसका दिल दुखा मैं बिल्कुल चुपचाप हूं बस उसने ही हमेशा मेरे साथ जुलम किया है होता है ऐसे बहुत कम लेकिन अगर ऐसे हो जाए और आप उस पर सब्र करते हुए आप उस जालिम के खिलाफ बदुआ कर सकते हैं जो शरी लिहाज से आपके लिए जायज़ है और मजलूम की बददुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द सुनते हैं यह है म के साथ उसके साथ किस किस अंदाज से पेश आना चाहिए हदीस की रोशनी में जो हमें सबक मिलता है वो ये